प्रदेश के साथ अब बिलासपुर जिला की महिलाएं भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में अपना हुनर दिखाएंगी। समाज सेवी संस्था चेतना ने पीएम नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के सपने को पूर्ण करने के प्रति बिलासपुर जिला में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में नया अध्याय शुरू किया है। चेतना संस्था के संस्थापक डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने विजयपुर स्थित चेतना कार्यालय में अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल करते हुए हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे अब बिलासपुर जिला की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बिलासपुर जिला में बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ और हिमाचल के प्रमुख लोगों को शामिल किया गया है, ताकि समय समय पर इनकी सहायता ली जा सके। इस अवसर पर चंडीगढ़ से आए समाज सेवी जगमोहन ने चेतना संस्था को 2 इलेक्ट्रिक स्कूटी भी प्रदान की। चेतना संस्था के द्वारा नवरात्रि के इस पावन पर्व में एक नए आयाम की शुरुआत की गई। स्किल के साथ साथ हथकरघा के माध्यम से महिलाओं के टैलेंट को, उनके हुनर को डेवलप करने के लिए यहाँ एक ट्रेनिंग यूनिट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का शुरू किया गया है। हैंडलूम के इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से हम महिलाओं को जहाँ प्रशिक्षित करेंगे, वहीं हम इनको आत्मनिर्भर बनाने का जो एक सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको साकार करने में चेतना संस्था अपने प्रयास पे सफल होगी। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि कृष्णा वूल मंडी, जिनके संस्थापक ओम प्रकाश मल्होत्रा जी हैं, उनके सहयोग से, और हमारे बीच में संयम कोचर जी हैं, उनके सहयोग से हमने इस प्रकल्प को शुरू किया है और 30 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य प्रारंभ होगा आज से, और 6 महीने तक प्रशिक्षण की गतिविधि सीखने के बाद ये महिलाएं अपने आप इस कार्य को कर सकेंगी और स्वावलंबन की ओर एक ये हमारा कदम होगा।